हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडीसी इंडिया ने अपने शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड रिकमेंड किया है उसके अमाउंट और रिकॉर्ड डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए ₹2.50 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। फ्रेंड, कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 225 के अराउंड, तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 1% से ज्यादा का डिविडेंड रिकमेंड किया है। और फ्रेंड, यह डिविडेंड इनके शेयर होल्डर को तभी मिलेगा यदि आने वाली एजीएम में यह डिक्लेयर किया गया इनके मेंबर्स के द्वारा। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने बुक क्लोजर डेट बताई है। देखिए, 24 जुलाई 2021 से लेकर 30 जुलाई 2021 तक इनकी बुक क्लोज रहेगी। इसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड डेट क्या बनी 23 जुलाई। तो फ्रेंड, यदि आपके डीमैट अकाउंट में 23 जुलाई को जो है शेयर होगा तभी आपको ₹2.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्स डिविडेंड डेट बनी वो बनी 22 जुलाई, और डिविडेंड के लिए जो लास्ट बाइंग डेट बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी 21 जुलाई पर। 21 जुलाई को छुट्टी है, इस दिन मार्केट बंद रहेगी, तो जो लास्ट बाइंग डेट बनेगी डिविडेंड के लिए वो बनेगी 20 जुलाई। तो यदि आपने यह शेयर 20 जुलाई जो उससे पहले खरीदा तभी यह 23 जुलाई तक आपके डिमैट अकाउंट में आ पाएगा, और तभी आपको ₹2.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और यदि आपके पास यह शेयर पहले से ही है या फिर आपने 20 जुलाई को खरीदा और आपको डिविडेंड चाहिए, तो आपने यह शेयर एक्स डेट दैट इज 22 जुलाई जो उसके बाद बेच रहे हैं, 22 जुलाई को बेचोगे तब भी आपको डिविडेंड मिलेगा। और यदि आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हुए तो आपके बैंक अकाउंट में एजीएम के 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी। इनकी एजीएम है 30 जुलाई को, तो आपके बैंक अकाउंट में कब तक डिविडेंड आ जाएगा? 30 सितंबर तक। और यदि आपके पास एक शेयर होगा तो आपको मिलेंगे ₹2.50, 10 होंगे तो ₹25 मिलेंगे, 100 शेयर होंगे तो ₹250 मिलेंगे। जितने ज्यादा शेयर होंगे उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। ओके, थैंक्स।